हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि हमने कल ही बताए थे, बिहार ANM की परीक्षा का जो तैयारी हो रहा है उसमें मैथ का क्लास अभी हम लगातार ले रहे हैं। ये मैथ का क्लास दूसरा है। आज हम लाभ एंड हानि, लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि PDF के साथ मिलेगा। ठीक है, आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि मैथ का धमाका हो जाएगा, आपके साथ एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है लाभ और हानि से। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात बता दूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम नीचे दे दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए और सारा PDF अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए सारा PDF उस ग्रुप में डाल दिए हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और मैथ का अभी जो हम क्लास लेंगे उसका भी PDF हम उसी में डालेंगे, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और बता दूँ कि जो कैंडिडेट अभी तक नए हो, पहली बार क्लास ले रहे हो, तो ANM प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और ANM एग्जाम करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर क्लिक करके अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं, टेक्निकल चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, GK हो, जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो, जितने भी क्लास हैं मैथ, तो सारे क्लास हम अभी तक लिए हैं, वो अभी तक क्लास आप ANM एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कल हमने प्रतिशत का टॉपिक कवर कराया था, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कुछ ही क्वेश्चन को हम कवर कराए थे। ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं कराए थे, क्योंकि यह ANM की एग्ज़ाम है। ANM जो कि एक मेडिकल पार्ट है मेडिकल का, इसमें मैथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, बस आपकी जानकारी लेवल की मैथमेटिक्स आना चाहिए, इसलिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएंगे, जो आप लोग बस रिवाइज करिए और आप लोग से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी हम पहला राउंड में आप लोग को जो कुछ कुछ टॉपिक कवर करवा रहे हैं, वो सारा टॉपिक पहले आप मोटे तौर पर कवर कर लीजिए, बेसिक पॉइंट आप लोग सारे टॉपिक का कवर कर लीजिए, फिर हम हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोबारा टर्म में। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, बस जो क्वेश्चन लेवल आता है ANM एग्जाम का बस उतना ही लेते हैं। और पहले हम चाहते हैं कि आप लोग को कुछ 10-15 टॉपिक जो जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो कवर करवा दें, फिर हम हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे और आप लोग को PDF डालते रहेंगे ग्रुप में, वहाँ से आप लोग बनाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स बनाने के प्रॉब्लम हो पढ़ने के ड्यूरिंग, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, वहाँ से हम आपके सारे प्रॉब्लम को वहाँ से हम सॉल्व करके आपको हम भेज देंगे। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बहुत ही ईजी टॉपिक है और अच्छे से आपको समझ पाएंगे। पहले हम कुछ फॉर्मूला करा देते हैं, वो फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, जो सामान बेचते हैं, जो बेचते हैं, बेचने का जो प्राइस होता है उससे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य का मतलब होगा कि जो सामान खरीदते हैं, क्रय मूल्य मतलब क्या, जो सामान हम लोग खरीदते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में सब्जी खरीदते हैं तो वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। और जैसे हम लोग अपना मोबाइल बेच देते हैं, लैपटॉप बेच देते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ गए। अब लाभ होता है और हानि होता है, दो टर्म है, एक लाभ और हानि। तो लाभ कब होगा, जब आप ज़्यादा दाम में खरीदेंगे, जब आप जितना दाम में खरीदे हैं और उनसे ज़्यादा दाम में बेच डालेंगे तब लाभ होगा। यानी कि अगर आप 500 में खरीदते हैं और उसे अगर 500 से ज़्यादा दाम में बेचते हैं, चाहे वो 600 में बिके या 1000 में बिके, तो आपको क्या होगा, उस स्थिति में लाभ होगा। यानी कि खरीदे और बेचे तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, उसी तरह से हानि का फॉर्मूला होता है। हानि कब होगा, जब हम कोई सामान खरीदे 500 रुपया में और वो हम 400 रुपया में बेच डाले। यहाँ पर देखिए, खरीदे 500 में और बेच डाले 400 रुपया में। ठीक है, जब खरीदे 500 में और बेचे 400 में, तो यहाँ पर हानि होगा। यानी कि खरीदे थे 500 में और बेचे 400 में, तो खरीदे माइनस बेचे तब ना हानि होगा। यानी कि जितने में खरीदे उतने में उससे कम में बेच डाले, यानी कि क्रय मूल्य खरीदना में से और उससे कम में बेच दिए, मतलब घटा रहे हैं, तो विक्रय मूल्य यानी कि हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आप लाभ हानि लगभग समझ गए होंगे। अब हम इसका कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। सबसे पहले लाभ होने की स्थिति में, जब मुझे लाभ हो रहा है उस स्थिति में अगर लाभ की फॉर्मूला पूछेगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अगर लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर पूछेगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, इसको याद रखेंगे, बस इसी को उल्टा कर देना है। क्रय मूल्य बराबर पूछेगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। उसके बाद आप लोग को लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पूछेगा तो लाभ गुने 100 प्रॉफिट, यानी लाभ गुने
100 अपॉन क्रय मूल, क्या हो जाएगा क्रय मूल, जिस मूल पर हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, क्रय मूल। ये हो गया आपको लाभ प्रतिशत का, प्रॉफिट परसेंट का, लाभ प्रतिशत का, ये हो गया। फ्रेंड यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, बस ये फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि लाभ बराबर याद हो जाएगा, फिर यहाँ से विक्रय मूल कहेगा तो क्या हो जाएगा, लाभ लाभ क्रय मूल किधर लेंगे तो प्लस क्रय मूल, ठीक है, क्रय मूल इधर क्या हो जाएगा बराबर विक्रय मूल, यानी कि यहाँ से विक्रय मूल का फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से क्रय मूल का अगर फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल का, तो क्रय मूल को उस साइड लेके चल जाएंगे तो क्रय मूल इधर आ गया, इधर क्या बच गया विक्रय मूल इधर बच गया, और लाभ को इस साइड लेके आ जाएंगे तो लाभ प्लस में, तो यहाँ आएगा तो माइनस में लाभ, ठीक है। तो क्रय मूल बराबर विक्रय मूल माइनस लाभ, यहाँ पे हम इसी को इधर से इस साइड से इस साइड करके तीनों फार्मूला बनाए हैं, बाकी आपको अगर यहाँ सॉल्व होता है याद करने में तो आप याद रख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। दूसरा फार्मूला आप लोग को ये याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल, ठीक है। उसी तरह से विक्रय मूल का, अगर विक्रय मूल का फार्मूला पूछे लाभ दिया रहेगा, और विक्रय मूल का फार्मूला पूछे लाभ प्रतिशत, यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत होगा, यहाँ लाभ प्रतिशत कर दीजिएगा, ठीक है, लाभ 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 प्रतिशत में दिया रहेगा, तब जाकर अगर विक्रय मूल निकालने के लिए कहेगा तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्रय मूल बराबर होगा विक्रय मूल इंटू 100 इंटू लाभ प्रतिशत, यहाँ पर लाभ प्रतिशत कर दीजिएगा, प्रतिशत लिखने में छूट गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आगे उसी तरह से हानि का फॉर्मूला देखेंगे, हानि की स्थिति में हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस हानि, बस इसी को उल्टा पुल्टा करके हम फॉर्मूला क्रिएट किए हैं। जैसे कि विक्रय मूल करेंगे तो विक्रय मूल इस साइड लाएंगे, क्रय मूल बच गया, हानि किधर जाएगी तो माइनस हानि। उसी तरह से क्रय मूल बराबर विक्रय मूल प्लस हानि, हानि प्रतिशत, फिर यहाँ पर हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 लॉस गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा क्रय मूल, क्या हो जाएगा क्रय मूल, ये हो गया आपको हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। इसी तरह से यहाँ पर विक्रय मूल बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हानि प्रतिशत होगा, यहाँ पर हानि प्रतिशत होगा, यहाँ पर हानि प्रतिशत आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया विक्रय मूल का फॉर्मूला और ये हो गया क्रय मूल का फॉर्मूला, आप लोग अपना फॉर्मूला याद करिए। फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पर हानि प्रतिशत में दिया रहेगा, जैसे कि 40% हानि, 25% हानि, तो हानि प्रतिशत होगा, यहाँ पर प्रतिशत आप लोग कर लीजिएगा, टाइप करने वाला गलती कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया जो आप लोग याद रखिएगा। अब हम डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे तब जाके आप लोग को आसानी से समझ में आएगा लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गौर से क्वेश्चन को देखिएगा और हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को आज करवाएंगे, अलग अलग टॉपिक पर क्वेश्चन कराएंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा रिवाइज करती रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया तो, यहाँ पर तो उसे कितना रुपये का लाभ हुआ, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 1000 रुपये में खरीदा, 1200 में बेचा तो कितना रुपये का लाभ हुआ। यहाँ देखिए खरीदा 1000 में या बेच दिया 1200 में, तो सीधी सी बात है यहाँ 200 रुपये का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1200 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य मेरा 1200 हो गया, 1200 रुपये हो गया, और 1000 में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य जो खरीदता है तो क्रय मूल्य हो गया 1000, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या हो जाता है, लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है, तो विक्रय मूल्य 1200 है, क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 200 आंसर, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इजी लेवल से है, अपर लेवल तक बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा, उसे 1200 रुपये में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यहाँ पर लाभ जो पूछ रहा है वो प्रतिशत में, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पर 1000 में खरीदा, 1200 में बेचा तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाता है लाभ, ठीक है, आपने देखा होगा लाभ गुने 100 बट्टा क्या होता है, फिर से यहाँ पर देख लीजिए, लाभ गुने क्या होता है 100, क्या होता है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, बट्टा
कराई मूल, यही होता है ना। तो चलिए हम बताते हैं, तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ क्या है, 1000 में खरीदा 1200 में बेचा, तो 1000 में जब खरीदा और 1200 में बेचा तो 200 रुपया के यहाँ पर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, 1200 में से 1200 लाभ, तो लाभ गुने क्या कर देंगे 100 इतना हो गया। और कह रहा है उसके बाद क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब जिस पर खरीदते हैं, तो खरीदे हम 1000 में, तो 1000 मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो क्या हो गया, 00 00 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, कितना बच गया 20, यानी कि 20% मेरा क्या हो गया लाभ हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर 20। समझे कि नहीं, लाभ प्रतिशत का सीधे फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया है, इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य 5000 रुपया है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। देखिए इसको हम दो तरीका से आपको हम बता देते हैं। पहला तरीका जो कि बिल्कुल ईजी तरीका है, आप लोग देखते रहिएगा, एकदम ट्रिक वाला तरीका है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है 5000 रुपया और लाभ ले रहा है 20%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर 100% अगर 100% लाभ होगा तो यहाँ पर 5000 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रतिशत पे है तो 100% में होता है, तो 100 आपको याद रखना है, इसीलिए हम पहले प्रतिशत टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है। तो 100% पे 5000 रुपया होगा, 5000 रुपया क्रय मूल्य है, क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, तो 100% है अगर तो 5000 है, तो 1% रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक ही नियम से, तो 1% रहेगा तो 5000 और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। वहीं पर लाभ 20% ले रहा है, लाभ कितना रह रहा है 20%, जब लाभ 20% ले रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में है तो लाभ हो रहा है तो उस जुट जाएगा, लाभ होने की स्थिति में क्या होगा जुट जाएगा, और हानि का जब स्थिति होगा तो उस स्थिति में घट जाएगा। तो लाभ 20% है तो 120 हो गया, तो जब 100 में 5000 है, एक में क्या हो जाएगा 5000 बटा 100, तो 120 में क्या हो जाएगा 5000 बटा 100 × 120, सीधा एक ही नियम। अब इसको काट दीजिए, 00 00 गुना कर दीजिएगा, तो 50 को 12 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमने आंसर कराया 600, यहाँ पर 600 नहीं होगा, 6000 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन जो है 6000 होगा, इसको 6000 कर लीजिएगा, क्योंकि 100 पे 5000 रुपया हो रहा है, 5000 रुपया क्रय मूल्य है, तो एक पे क्या हो जाएगा, एक पे हो जाएगा 5000 बटा 100 हो जाएगा, तो 20% लाभ है, तो टोटल कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 पर निकालेंगे तो इसमें 120 से गुना हो जाएगा, चूँकि एक पे 5000 बटा 100 है, तो 120 पे क्या हो जाएगा 5000 बटा 100 × 120। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 00 कैंसिल, दोनों को गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी कि 6000। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 600 है उसको 6000 कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब हम जो दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो दूसरा तरीका हम फॉर्मूला से बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य ठीक है, गुने क्रय मूल्य गुने 100+ लाभ प्रतिशत। पहले हम बता दें 100+ लाभ प्रतिशत, फिर से देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 क्रय मूल्य गुने 100+ लाभ प्रतिशत। पहले हम फॉर्मूला बता दिए, लाभ प्रतिशत बट्टा 100, ये होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा 5000 है, कितना है 5000 गुने 100+ लाभ प्रतिशत, तो 100 है, लाभ है 20, तो 120 हो जाएगा, बट्टा में 100 डाल देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अपना से, तो कैलकुलेट करेंगे तो 00 00 कैंसिल, यहाँ पर 5000 है, अब इसको गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी कि 6000। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको 6000 कर दीजिए, ठीक है, राइट आंसर सी। तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
₹42 है और 40% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हम पहले फॉर्मूला से बता देते हैं, अगर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट, यही फॉर्मूला होता है ना। लाभ रहेगा तो जुटेगा और हानि रहेगा तो घटेगा। अब इस पर पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, बराबर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मेरा 4200 है, 4200 गुने 100 कर देंगे और बट्टा 100 प्लस लाभ है तो 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ है 40, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 3 42 यहाँ पर हो जाएगा 3 और एक 0, 14 3 42 यानी 30। अब इसको ना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया फॉर्मूला से, आप लोग फॉर्मूला पे लगाइए, डायरेक्ट पुट करिए, आंसर निकल जाएंगे। और एक ट्रिक के मेथड से जानेंगे, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया है 4200 और 40% लाभ, देखिए जब लाभ है 40% यानी कि 140 हो गया, चूँकि लाभ है तो जुटेगा, तो 140 पे 4200 रुपया है। जब 140 रुपया लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या है 4200, तो 1 रुपया पे कितना हो जाएगा 4200 बट्टा 140, इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहीं पर, तो कितना हो जाएगा 30 हो गया। अगर 1 पे 30 आए तो 100 पे कितना हो जाएगा, क्योंकि एक एक नियम से बना रहे हैं और 100% पे हमारे 100% में है, तो 100 पे क्या हो जाएगा, जब 1 पे 30 आए तो 100 पे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं या फिर आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है, 25% के हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। फिर वही क्वेश्चन, हानि है यहाँ पर तो घटेगा और लाभ रहता है तो जुटेगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूला से ही बनाते हैं, अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा 4000 है तो 4000 डाल देंगे, गुण विक्रय मूल्य है ना, तो 100 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 75 और नीचे में 100, इतना याद रखना है। विक्रय मूल्य है तो ऊपर में घटाएंगे या जोड़ेंगे, याद रखिएगा, अगर विक्रय मूल्य है तो ऊपर में जोड़ेंगे या घटाएंगे, अब और नीचे में 100 लिखेंगे। अगर क्रय मूल्य लेगा तो नीचे में घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, अगर विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य अगर आप लोग को निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रय मूल्य लिख दिए यानी कि 4000 है, और क्रय मूल्य गुण विक्रय मूल्य है तो ऊपर में घटाएंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे जब हानि रहेगा तब, और जोड़ेंगे जब लाभ रहेगा तब। तो यहाँ पर हानि हो रहा है तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और नीचे में 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो काट कूट करने के बाद, कैलकुलेट पूरे होने के बाद आप लोग को 00000 75 चौका 300 यानी कि 3000, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जब विक्रय मूल्य निकाल लेते तब, वहीं पर अगर यहाँ पर हम दिखाते हैं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, क्रय मूल्य तो हम पहले बोले क्रय मूल्य लेगा तो नीचे में घटाएंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य है 7200, तो 7200 गुणे 100, चूँकि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में नीचे में करते हैं, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो जुट जाएगा नीचे में और ऊपर में 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 12 6 72 यानी कि यहाँ पर 6000, कितना हो गया 6000, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं कि नहीं, क्रय मूल्य लेगा तो नीचे में करते हैं, बट्टा के नीचे में। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3600 रुपये है, 10% का हानि पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य है तो नीचे में, बट्टा के नीचे में करेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मेरा 3600 है, गुणे हानि हो रहा है ना, तो हानि और नीचे में होगा क्योंकि क्रय मूल्य है, तो ऊपर 100 चल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 90, क्रय मूल्य है तो नीचे में, तो 9 चौका 36 करेंगे तो 4000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आंसर निकल जाएंगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपया में खरीदा है और 900 रुपया में बेच दिया जाता है तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पर हानि जो पूछा जा रहा है वो प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि हानि का जो फार्मूला होता है लॉस का, लॉस यानी हानि का फार्मूला क्या होता है, लॉस गुने 100 लॉस प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत हानि का फॉर्मूला, क्योंकि प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो लॉस गुने 100 बट्टा क्या करते हैं क्रय मूल्य, ये होता है। तो सबसे पहले हमें लॉस निकालना होगा,
तो लॉस निकाल लेते हैं यानी कि हानि निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जितना में से खरीदे हैं उतना में से बेचेंगे तो वो हमारा हानि निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य 1500 रुपया है यानी खरीदा है 1500 में और बेच दिया 900 में यानी कि विक्रय मूल्य 900। तो क्रय मूल्य हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो 900 और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि हानि कितना हो रहा है 600 में, क्योंकि खरीदा है तो 1500 में और बेच रहा है 900 में ही, तो 600 का हानि हो गया। अब हमें हानि मालूम पड़ गया तो क्या होता है, हानि का फॉर्मूला हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1500। कैलकुलेट कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा एक बार में 0000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0000 कैंसिल, अब 1500 का 60 यानी कि 40 कितना हो गया 40%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यहाँ पर समझिएगा 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि 15% की लाभ हो, कितना रुपया में बेचा जाए, यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य है ना, तो ऊपर जुटेगा या घटेगा, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस या माइनस बट्टा 100। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि प्लस रहेगा तो लाभ होगा तब प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्योंकि मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा इतना, तो क्रय मूल्य मुझे पहले निकालना पड़ेगा तब तो विक्रय मूल्य यहाँ पर निकलेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इतना में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य तो हो गया मुझे 1440 रुपया और 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टा, देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टा, बट्टा हम नीचे में इसलिए रुक गए चूँकि यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो नीचे में हम बस, ऊपर सेम रहता है नीचे में, हानि हो रहा है तो घटाएंगे, लाभ रहता तो जोड़ेंगे, यहाँ पर हानि हो रहा है तो घटा देंगे 100 में से क्योंकि प्रतिशत है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जब कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 100 कैंसिल और 16 में 144 होता है, तो यहाँ पर 1600 हो गया, क्या हो गया 1600। तो 1600 मेरा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया फॉर्मूला से। अब क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया 1600 रुपया, क्रय मूल्य मेरा 1600 हो गया और विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे नीचे में 100 हो जाएगा, चूँकि विक्रय मूल्य है तो ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में क्या है 15% के लाभ, तो 115 हो जाएगा और क्रय मूल्य पहले हमें निकाल लेते 1600, अब कैंसिल कर दीजिए 00 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1840 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया राइट आंसर 1840। समझ गए कि नहीं, पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला सेट करेंगे, आराम से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि 20% की लाभ होगा, सेम क्वेश्चन है, इतना रुपया में बेचने पर 20% की हानि होता है, तो यहाँ पर इतना रुपया हम बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया 1920 रुपया और हानि हो गया 20%। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा क्योंकि विक्रय मूल्य मालूम है, तो क्रय मूल्य जो हम लोग निकालते हैं तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 1920 गुणे 100, चूँकि क्रय मूल्य है तो नीचे में जुटेगा या घटेगा, यहाँ पर हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा घटेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 100 कट जाएगा, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16 और 8 × 4 = 32, 192 को करेंगे 24 से, यानी 24 हो गया। अब इसका क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा 2400 रुपया हो गया, 100 में 24 से गुना हो जाएगा 2400। अब जब क्रय मूल्य 2400 हो गया, क्रय मूल्य मुझे 2400 हो गया और लाभ 20% हो रहा है, तो कितना रुपया हम बिकेगा यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अभी 2400 निकाले, तो क्रय मूल्य 2400 गुणे
विक्रय मूल्य है तो ऊपर जाएगा, और लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, 20 जुट जाएगा लाभ हो रहा है तो, बट्टा में क्या हो जाएगा 100, यही देखना है ऊपर में, ठीक है। 00000 कैंसिल, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2880 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2880 रुपया हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपने घड़ी को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए 5% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब है कि 95% उससे लाभ होता होगा। जब 95% लाभ होता है तो 120 रुपये में बेचता है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत में है, यहाँ पर हम लाभ में इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पर लाभ में निकालना है, इसलिए लाभ में कर लीजिए। अगर हानि में होगा तो हानि में करना होगा, ठीक है। एक टर्म में कर लेना, या तो लाभ वाले टर्म में कर लीजिए या फिर हानि में, चूँकि यहाँ पर लाभ के टर्म में निकालना है तो पहले इसको हम लाभ के टर्म में कर देंगे। 5% हानि हो रहा है तो सोचने वाली बात है, सीधी सी 95% लाभ होगा। जब 95% लाभ होता है तो 120 रुपया अधिक में बिकता है, तो प्लस 120 रुपया अधिक हो गया, अब बराबर 5% का लाभ हो तो 5% का लाभ होगा तो 105%। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 120 रह जाएगा, इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 होगा। अब 10% पे 120 का हो रहा है तो एक पे कितना होगा 12 का, 10 पे 120 रुपया तो एक पे कितना हो जाएगा 12 रुपया हो गया। तो 100 पे, क्योंकि प्रतिशत में तो 100 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक पे 12 तो 100 पे 1200, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर शॉर्ट स्क्रीन करके भेजिएगा, हम आराम से कॉपी पर बना के भेज देंगे, ठीक है। लेकिन मन लगा के तैयारी करिए। फिर से बता देते हैं, 5% की हानि है तो 95% का लाभ होगा, जब 95% के लाभ हो रहा है तो 120 रुपया अधिक में बिक रहा है, अगर 120 रुपया अधिक में बिक रहा है तो 105% लाभ हो जाता है, तो लाभ होगा यानी कि 105। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, अब कैलकुलेट करेंगे तो 120 रुपया, अब लाभ बला के एक साइड ले जाते हैं परसेंट वाले के, तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 105 माइनस कितना 95, अब माइनस करेंगे तो कितना होगा 120 बराबर 10, यानी कि अब जब 10% में 120 है तो 1% में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 100 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घड़ी को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 1450 रुपये कम में बेचता है तो 5% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 15% के लाभ पर बेचता है तो क्या हो गया 85% हानि होता होगा, क्योंकि यहाँ के हानि के टर्म में है। जब 85% हानि हो रहा है तो यहाँ पर 1450 रुपये में क्या हो रहा है बिक रहा है, 1450 रुपये में क्या हो रहा है बिक रहा है, सीधी सी बात है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे थे कि 15% का लाभ पर बेचता है तो 1450 रुपये कम होता है, और यहाँ पर 5% का हानि हो जाता है, तो हानि के टर्म में निकालते हैं। जब 15% का लाभ हुआ तो 85% क्या हो गया हानि हो गया, तो 1450 रुपये कम में तो कम है तो घटा देंगे, और 5% का हानि होती है यानी कि 95% हो गया, हानि है तो घटा देंगे, सीधी बात। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे ऊपर बनाए थे, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे इसको तो 85 हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद ऊपर ले जाएंगे इसको, क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा तो 95 इधर आएगा तो प्लस 95, ठीक है। गलती हो गया चूँकि 15% का लाभ हो रहा है, चूँकि 15% का लाभ हो गया तो 115 हो गया, और इतना में क्या हो रहा है कम हो रहा है तो यहाँ पर कम कर देंगे, और 5% का हानि हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 95 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 115 माइनस 95 बराबर क्या हो जाएगा 1450 हो गया, अब इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 115 में से 95 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 115 में से 95 जाएगा तो 10 होगा, ये परसेंट में है। जब 10% पे क्या हो गया 1450, तो वही क्वेश्चन, तो 10% पे 1450 तो 1% पे क्या हो जाएगा, 1% पे हो जाएगा आपको 145, क्या हो जाएगा 1% पे आपको 145 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इस क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं आराम से, वो गड़बड़ा गया था। चूँकि 15% लाभ हो रहा है तो 115 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 1450 कम है तो, और यहाँ पर 5% का घाटा लग रहा है यानी कि हानि, यानी कि 95%। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए,
ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत वाले को एक साथ लाएंगे तो 115 माइनस कितना हो जाएगा 95, प्रतिशत में है बराबर क्या हो जाएगा 1450। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा, तो 20 प्रतिशत है तो 1450, 20 प्रतिशत पे 1450, तो एक प्रतिशत पे कितना हो जाएगा, एक प्रतिशत पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल लीजिए एक प्रतिशत पे, तो एक प्रतिशत पे जो निकालिएगा तो आपको 1450 को आप ये जीरो कैंसिल इसको काटिएगा तो 1445/2। उसी तरह से अगर यहाँ पर 145 यहाँ पे हमने देखे 145 एक पर 145/2 तो 100% पे, तो 100 से गुना कर देंगे तो सारे कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ से 50 से हो जाएगा। अब दोनों को गुना होगा ऊपर ऊपर गुना होगा तो 7250 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेम ऊपर वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, जब कोई वस्तु यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई वस्तु एम है, जब एम वस्तु का क्रय मूल एन वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, एम माइनस एन बटा एन गुण 100, जहाँ एम की मान बड़ा होना चाहिए एन से, वहीं पर हानि होने पर एन माइनस एन बटा एन गुण 100, जहाँ एन की मान बड़ा होना चाहिए एम से। बस इस फॉर्मूला का आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए आगे हम क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, चार वस्तु का क्रय मूल पाँच वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, चार वस्तु का क्रय मूल पाँच वस्तु के विक्रय मूल के क्या है बराबर है तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एन इसको मान लिए और एम इसको मान लिए। ठीक है, तो पाँच एम माइनस एन होता है तो पाँच माइनस चार बट्टा नीचे में एन होता है, नीचे में क्या होता है एन होता है, तो एन का वैल्यू कितना है चार है, तो चार गुणे 100 यही फॉर्मूला होता है ना। एम माइनस एन, तो एम माने हैं पाँच को और एन माने हैं चार को, तो पाँच माइनस चार बटा एन, तो एन चार गुणे 100, तो गुणे 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो चार पच्चीस एन 100 और पाँच में से चार घटेगा तो एक हो जाएगा, तो गुना करके कितना हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बस फॉर्मूला पर लगा दी एम माइनस एन, तो हम जो है एम माने हैं चार को, एन एन माने हैं चार को और एम माने हैं पाँच को, क्योंकि एन पहले आता है तो पहले चार हो गया और एम बाद में आता है, ए बी सी डी के में एम बाद में आता है तो एम माने हैं पाँच को। बस फॉर्मूला पे सेट करिए ऑप्शन आ जाएगा एम माइनस एन यानी कि पाँच माइनस चार बट्टा एन, बट्टा में क्या होता है एन, तो जब बट्टा में एन होगा तो बट्टा में एन, एन मतलब कितना चार गुणे 100 होता है तो 100 और पाँच में से चार जाएगा तो एक आ बट्टा में चार गुणे 100, इसको कैलकुलेट करिए तो चार पच्चीस है ना 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। सेम अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल 20 और 25 वस्तु के क्रय मूल 20 वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए यहाँ पर क्रय मूल बड़ा है, क्रय मूल बड़ा है और विक्रय मूल छोटा है तो हानि होगा। सीधी सी बात है, क्रय मूल 25 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच रहा है, तो खरीदा 25 में और बेच रहा है 20 रुपये में, तो कम हूँ मैं यानी कि घाटा लग रहा है, यानी कि क्या होगा हानि होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या निकलेगा, हानि निकलेगा प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा एन एन माइनस एन, तो एन पहला वाले को मानते हैं और एम बाद वाले को मानते हैं, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 20 बट्टा एन, एन 25 को माने हैं और गुने क्या होता है 100, इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं 25 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ से 25 का 100 कट जाएगा, 25 का 100 कट जाएगा तो 5 गुने 4 यानी कि 20, यहाँ पर आप इसको 20% कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा 20%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी गलती हो गया, एन माइनस एम है ना, एन माइनस एम है ना, तो क्या हो गया, हाँ ठीक है 25 माइनस 20 बट्टा कितना हो गया एन, एन 25 को माने गुने 100, तो कैलकुलेट कर दीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 20% कर दीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो कि इंपॉर्टेंट है, एक दुकानदार 150 नारियल बेचने पर 50 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत, 150 नारियल बेचने पर 50 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट गुणे 100 मतलब टोटल माइनस प्रॉफिट, अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो घटाएंगे और लाभ हो और लॉस होगा हानि होगा तो जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो 50 गुणे 100 बट्टा टोटल माइनस प्रॉफिट, टोटल 150 है और माइनस प्रॉफिट हो रहा है 50 का, तो 50
इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको 50 आंसर आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर 150 में से 50 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 150 में से 50 घटेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल कितना बच जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 250 नारियल बेचने पर 50 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो प्रॉफिट कितना कर रहा है, 50 का गुणे 100 बट्टा 250 का है और 50 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर 250 और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छा से, तो क्या हो जाएगा 50 गुण 100 बट्टा 250 में 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। जब 300 हो गया अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 00 कैंसिल 50 बटा 3 हो जाएगा, 50 बटा क्या हो गया 3। इसको इसमें राइट आंसर नहीं है एक भी, 50 बटा 3 हो गया इसका राइट आंसर, 50 बटा 3 ठीक है, 50 बटा 3 सही कर लीजिएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाभ आने का, आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा, हम आपके आंसर का जवाब तुरंत देंगे। इसी तरह से अगला टॉपिक हम लाएंगे फिर आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी बता देंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बार बार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।